हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिकी राष्ट्रपति तो हिंदुस्तान का कितना फायदा? यही तो क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करके पता करते हैं कितना फायदा। अभी तक, मतलब जब ये वीडियो बन रही है तब तक अभी हमने वोटिंग की नहीं है। इसके बाद हम वोट करने जाएंगे। और बताओ, हम किसको वोट कर रहे हैं? जिस हम उसको वोट करेंगे जिससे हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा होगा। ये तो इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी मैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना कि आपको क्या लगता है कि हम किसको वोट करें इस हिंट के बाद भी। अगर नहीं पता चला ना तो भैया कमाल हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। अमेरिका से जो सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक कौन आगे चल रहा है, आपको पहले वो बताता हूं। कौन चल रहा है? बहुत दिलचस्प खबरें भी दिखाऊंगा कि कौन कौन भविष्यवाणी कर रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी, आज ही हुई है। कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेगी। वहां पर जो सर्वे हुए हैं, एक है एटलस इंटेल के ताजा सर्वे में, अमेरिका के सातों स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस पर ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई। अब ये स्विंग स्टेट क्या होते हैं, कैसे अमेरिका में वोट पड़ते हैं, ट्रंप ने बढ़त बनाई। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जिनके बारे में लास्ट मिनट तक कोई नहीं कह सकता कि वो किस तरफ पड़े। हमारी तो स्विंग स्टेट नहीं है। स्विंग स्टेट तो ट्रंप ने जीता है, जो कई चुनाव में लगातार किसी एक पार्टी के पक्ष में जाते जाते अचानक किसी चुनाव में दूसरी पार्टी के पक्ष में चला जाता है। स्विंग स्टेट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं होते, यहाँ कांटे की टक्कर होती है, जीत हार का मार्जिन कम होता है, इसलिए कैंडिडेट यहां पर ज्यादा जोर लगाते हैं। स्विंग स्टेट भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। जैसे इस बार के चुनाव में 7 स्टेट को स्विंग स्टेट माना गया है, लेकिन स्विंग स्टेट ही अमेरिका में हार जीत तय करते हैं। ये ऐसे है जैसे भारत में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो अमेरिका में ये 7 स्विंग स्टेट हैं जिनसे राष्ट्रपति पद तक रास्ता जाता है। सीएनएन के सर्वे के मुताबिक 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में दोनों उम्मीदवारों के लिए मामूली सी बढ़त है, तो मामला किधर भी जा सकता है। एक है 538, ये भी सर्वे करती है। इसका सर्वे कह रहा है कि 7 स्विंग राज्यों में से 4 में ट्रंप आ गए हैं और 3 में कमला हैरिस को मामूली बढ़त है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल वोट से जीता जाता है। वहां सभी राज्यों को मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। जो जितने राज्य जीत लेता है उतने इलेक्टोरल वोट उस राज्य को के उसे मिल जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए। 272win.com के अनुसार कमला हैरिस को 226 और ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट मिलना तय माना जा रहा है। अच्छा। यानी कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के लिए 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 44 अतिरिक्त इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत है और ट्रंप को 40 वोटों की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएना कॉलेज के सर्वे में कमला हैरिस को स्विंग स्टेट्स के नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में बढ़त मिलती बताई गई, जबकि ट्रंप एरिजोना में मामूली अंतर से आगे। यानी वहां भी अलग अलग सर्वे में कोई कुछ नहीं कह सकते, पूर्व जीत मिलती हुई दिख रही हो किसी एक को, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो सिस्टम है वो भारत से अलग है। वहां पर राष्ट्रपति सीधे वोट से नहीं चुने जाते, बल्कि इलेक्टोरल वोट के सिस्टम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब आप कहेंगे इलेक्टोरल वोट क्या है, भारत से कैसे अलग है, तो उसको भी आपको पाठशाला के अंदाज से समझाता हूं, ताकि आप जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो समझ पाए कि ओ बॉस, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हारे या जीते। देखिए, अमेरिकी चुनाव में होता क्या है, यूएस जो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें क्लियर कैंडिडेट की घोषणा होती है। हमारे जैसा हाल नहीं है, गठबंधन है। हम जीत जाएंगे तो हम अच्छा है ना, गठबंधन है कैनेडा का, इसलिए तो बुरा हाल हो रहा है गठबंधन की वजह से। राहुल गांधी का नाम बताइए कैंडिडेट, वैसा हिसाब है। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो बड़ी पार्टियां हैं वहां पर। रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट की कमला हैरिस। तो नाम पता होता है, ये नहीं इंडी के गठबंधन की तरह है, देखेंगे जो ज्यादा जीतेगा उसको बना देंगे। वहां पर इलेक्टोरल वोट होते हैं, इलेक्टोरल वोट। अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन ये टोटल कितना होता है, टोटल इलेक्टोरल वोट वहां पर अमेरिका में वो होता है 538। जैसे हमारे यहां 543 सीटें हैं ना लोकसभा, और आपको जीतने के लिए 272 चाहिए, तो वहां पर आप तरीके से कह सकते हैं कि 538 सीटें, उस भाषा में कह रहा हूं, वहां उसको इलेक्टोरल वोट कहते हैं। जीतने के लिए आपको या राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने इलेक्टोरल वोट की जरूरत है,
वहां पर जरूरत होती है 270, यहाँ सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं 272 के होते हैं। अब इसको थोड़ा और गैप समझिए आसानी से, इलेक्टोरल वोट होता क्या है। जैसे हमारे यहाँ हर राज्य में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, वैसे ही अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं, वहां पर अलग अलग इलेक्टोरल वोट्स होते हैं और ये इलेक्टोरल वोट्स आबादी के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल वोट, कमला हैरिस है एक कैंडिडेट। अब कमला हैरिस किस राज्य से आती है भाई? कमला हैरिस का जो राज्य है वो है कैलिफोर्निया। करेक्ट, कैलिफोर्निया राज्य से कमला हैरिस। इतना अजीब लगा कैलिफोर्निया हिंदी में देखते हुए। ईवी वो कितने है भाई? 54। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ यूपी में 80 सीट है ना, उसको सरल भाषा में आपका ये जो इलेक्टोरल वोट है आप समझिए कि वहां 80 जैसे यूपी में सीट है तो वहां कैलिफोर्निया में 54 सीट है, एक तरीके से साधारण भाषा में आप समझिए। उसी तरह इसका कैलिफोर्निया जितने का है चांस। ट्रंप का जो राज्य है वो है फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया डेमोक्रेट। फ्लोरिडा में कितने इलेक्टोरल वोट्स है भाई? वहां पर है 30। अब आप कहेंगे सारा हिसाब तो अपने जैसा ही लग रहा है। फ्लोरिडा में जितने का चांस है, यहां जैसे सांसद चुने वहां पर भी वैसे 30 सीटें हैं, 54 सीटें हैं, तो इसमें अलग क्या है? अलग है अभी आपको बताता हूं। वहां ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनमें जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को मिल जाती है जो जीत जाता है। जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था अमेरिका, जो जीता वो सिकंदर है। 2020 में राज्य कौन सा, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे वहां पर राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है? तो कैलिफोर्निया राज्य में 2020 में क्या हुआ, टोटल इलेक्टोरल वोट्स कितने हैं वहां पर? 55। अभी इस बार 54 है, मैंने आपको बताया ना कि वो चेंज होता रहता है आबादी के हिसाब से, तो भाई अभी वहां पर 54 हो गया। yes, पहले 2020 में 55 इलेक्टोरल वोट्स, टेक्सास भागे। कुल वोट कितने पड़े? कुल वोट पड़े वहां पर, मैं तो क्या टेक्सास से भागने वाले, 1,70,00,000 वोट पड़े 2020 के चुनाव। अब बाइडेन उस वक्त चूंकि कैंडिडेट थे तो बाइडेन के नाम पर डेमोक्रेट्स को कितने वोट मिले? 1,10,00,000। और डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव हार गए थे, ट्रंप को मिले 60,00,000 वोट बस। 55 के 55 चले गए बाइडेन के पास। सीटें हैं या 55 जो इलेक्टोरल वोट है उसमें कई जगह ट्रंप के पार्टी को ज्यादा वोट मिले हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीटें जो हैं या वो वोट जो हैं वो ट्रंप के पास जाएंगे। चूंकि 1,00,00,000 से ज्यादा वोट मिल गए या ट्रंप से ज्यादा वोट बाइडेन को मिले, तो ये सारी 55 सीटें जो हैं वो किसके पास चली जाएंगी? जो बाइडेन के पास चली जाएंगी। तो आसान काम किया है ना, वहां पर विनर टेक्स ऑल वाला हिसाब चलता है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिला उस राज्य की सारी सीटें उसकी। हमारे यहाँ हिसाब कैसे है, जैसे अगर आप यहाँ देखिएगा भारत में क्या होता है, भारत में आप देखिए 2024 में क्या हुआ, क्या आपको हुआ? यूपी का उदाहरण देता हूँ, यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 लोकसभा सीट है। उसमें वोट पड़े कितने यूपी में? वोट इस बार पड़े थे 3,62,00,000, ठीक है? बीजेपी को, ये बीजेपी को वोट मिला, ठीक है? यूपी में ये बीजेपी का वोट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बीजेपी को 3,62,00,000 वोट मिले और उसकी सीट कितनी आई थी? 33। जबकि आप सपा का 80 में से 33 सपा को वोट उसको मिल गया, मगर यहाँ पे जो विनर उसे 80 के से मिलते हैं। 94,00,000 और सपा की सीट कितनी आई थी? सपा को यूपी के अंदर सीट आई थी 37। अब अगर अमेरिका वाला हिसाब भारत में 80 पूरी बीजेपी को मिलती, बीजेपी को 3,62,00,000 सपा से मिलते हैं, सपा से ज्यादा वोट आए थे, तो 80 की 80 सीटें जो है वो मोदी के खाते में चली जाएगी। चलो, जो इंडिया में पर वो ज्यादा फेयर है, इंडिया का सिस्टम ज्यादा फेयर है, उसको उस राज्य की सीटें 50-50 इसलिए नहीं है। अमेरिका वाला हिसाब अगर भारत में चलता विनर टेक्स इट ऑल, फिर तो यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी के खाते में चली जाती, क्योंकि बीजेपी को 3,62,00,000 वोट मिले थे और सपा को 2,94,00,000। अच्छे है, इसलिए ये अलग है। हाँ, तो बीजेपी को मिलती ना, उसको ज्यादा वोट मिल गया, उस राज्य की सारी सीट उठा के। 43 क्यों थी फिर? अब अमेरिका में इस सिस्टम की वजह से ये दिलचस्प बात होती है कि अलग-अलग राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग जरूरी होता है, जिससे सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स वहां के मिलते हैं। इसलिए आप देखिए कि कुल वोट में ज्यादा वोट लेकर भी कई बार राष्ट्रपति वहां पर हार जाता है। करेक्ट, जैसे 2016 में हुआ था। करेक्ट, 2016 में अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिले थे, 6,58,00,000 वोट मिले, फिर भी हार गई। ट्रंप को 6,29,00,000 वोट मिले, तभी तो। लेकिन इलेक्टोरल वोट्स मिले हिलरी क्लिंटन को 227 और डोनाल्ड ट्रंप को 304।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन राज्यों में जीत गए जहां पर इलेक्टोरल वोट ज्यादा, जहां पर सीटें ज्यादा थी। इसी वजह से 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने। अमेरिका में ऐसा 5 बार हो चुका है कि ज्यादा वोट मिलने के बाद भी कैंडिडेट चुनाव हार गए। यानी अमेरिका में सबसे अहम होता है राज्यों को जीतना, वहां पर दूसरे से ज्यादा वोट हासिल करना जिससे सारे इलेक्टोरल वोट उसे मिल जाए। करेक्टली स्पीकिंग तो इंडिया का सिस्टम बेटर है, मोर फेयर है। राज्यों को जीतना, भाई आपने छोटे छोटे राज्य जीत लिए, लेकिन जैसे कैलिफोर्निया जहां पर 55-54 इलेक्टोरल वोट है, आपने वो जीत लिया तो भाई आपने मामला क्लियर कर लिया। मतलब जैसे आपको मान लीजिए मैथ्स में 90 नंबर आ गया या 100 में 100 आ गया, तो आपको किसी में कम भी आया तो एवरेज आउट करके आप क्लास में टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर ही मान लीजिए 20-20 नंबर का है, उसमें आप 20 में 20 लाए और 100 नंबर वाले पेपर में आपको नंबर ही 50 आया, तो 20 में 20 ला के क्या ही कर लीजिएगा। वैसे तो चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस, भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है, अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात हो, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। तो डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि पता है कि कट्टरपंथी क्या गड़बड़े करते हैं। अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस इवेंट में आए थे और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो वो भी इसी तरह के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको याद होगा ये कार्यक्रम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भी भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। बाइडेन कमला हैरिस के कार्यकाल में दोस्ती तो बनी रही, लेकिन टकराव भी हुए। जैसे इस वक्त कनाडा से भारत के टकराव और आतंकी पन्नों को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते में टकराव दिख रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत नजर आई थी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पीएम मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते हैं। पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। दोनों नेताओं की विचारधारा भी एक जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, पीएम मोदी भी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, भारत फर्स्ट। तभी तो दोनों के बीच में होगी, मोदी जी कहेंगे इंडिया, वो कहेगा यूएसए। दोनों नेताओं की राष्ट्रवादी सोच भी एक दूसरे को कनेक्ट करती है, दोनों राष्ट्रवादी नेता। डोनाल्ड ट्रंप भी कोई भी बात खुलकर बिना हिचक के कहते हैं, पीएम मोदी भी बिना लाग लपेट के। मोदी जी बहुत वो ठीक बोलते हैं, इसलिए ट्रंप और मोदी की जोड़ी जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड मानी जाती है। ट्रंप का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तो कुछ नहीं कर सकते। हर कोई अपना अनुमान लगा रहा, अलग अलग भविष्यवाणियां चल रही। अमेरिका के चुनाव में सिर्फ चुनावी एक्सपर्ट या चुनावी पोल ही नहीं, बल्कि कुछ अलग तरह के भविष्यवाणी, जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए लोग जानवरों से भविष्यवाणी कराते हैं, वैसे ही अमेरिका के चुनाव में भी होता है। इस वक्त अमेरिका के चुनाव में एक हिप्पोपोटामस जो है उसकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। अच्छा, इस बेबी हिप्पो को थाईलैंड में रखा गया है और इसका नाम थाईलैंड का। अब ये देखिए बेबी हिप्पो ने कैसे अमेरिका के चुनाव में भविष्यवाणी की। इस बेबी हिप्पो के सामने 2 कटे हुए तरबूज रख दिए। बेबी हिप्पो ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर इशारा दिया कि ट्रंप भी अमेरिका का चुनाव जीत सकते। तरबूज पर स्थानीय भाषा में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ। उनका ट्रंप के नाम का तरबूज उसकी मम्मी ने दूसरा खाया भी सामने आ गया। वीडियो को थाईलैंड के चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया जुलाई 2014। थाईलैंड वालों ने किया, यूएसए वालों ने किया। इंटरनेट पर सेलिब्रिटी हिप्पो मानी जाती है। तो दरियाई घोड़ा तो कह रहा है कि भैया दरियाई घोड़े ने तो कह दिया साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह अमेरिका के साउथ कैरोलिना में ग्रोची जूनियर नाम की एक गिलहरी ने भी भविष्यवाणी की। लेवल की भविष्यवाणी चल रही है। गिलहरी के सामने 2 अलग अलग बाउल रख दिए गए। एक बाउल में के आगे कमला हैरिस का नाम लिख दिया गया, दूसरे बाउल के आगे ट्रंप का नाम लिख दिया। गिलहरी का है। दोनों बाउल में 10-10 अखरोट रख दिए गए। इस गिलहरी ने आधे घंटे के अंदर कमला हैरिस के बाउल में से सबसे ज्यादा 7 अखरोट खाए और जिस बाउल पर ट्रंप की पर्ची लगी थी उसमें 3 अखरोट खाए। इस तरह इस गिलहरी ने कमला हैरिस के जीतने की भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी का यह अजीब तरीका 2008 के अमेरिकी चुनाव से जारी है। नोची जूनियर इस गिलहरी की भविष्यवाणी कई बार गलत साबित हो चुकी। किसी बार 2020 में इस गिलहरी ने ट्रंप को विनर बताया, तो ट्रंप को विनर बताया तो बाइडेन जीते थे। इस बार कमला हैरिस को बताया तो लोग कह रहे कहीं ट्रंप ना जीत जाए। गिलहरी बड़ी चंचल है। अमेरिका में हो रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन पर भारत में ये तो है पर, आपके कमेंट्स में सुना था। कमला हैरिस दोनों ही उम्मीदवार हो रहे हैं इंडिया में भी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए
भारत में हवन और पूजन चल रहा है बॉस, आप देखिए तुमको क्या लेना जिसमें ट्रंप की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना चल रही है। पागल हो गया। अमेरिकी इलेक्शन में पीएम मोदी की स्टाइल भी जमकर कॉपी की जा रही है। एआई जनरेटेड तस्वीरों में ट्रंप को पीएम मोदी की तरह प्रचार करते हुए दिखाया गया। अब ये तस्वीर देखिए, योगी की तरह दिखाया गया। डोनाल्ड ट्रंप भगवा ड्रेस में दिख रहे हैं, ट्रंप के बगल में एलन मस्क भगवा कुर्ते में दिख रहे हैं। दोनों रोड शो के जरिए प्रचार करते दिख रहे हैं। एक और तस्वीर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ओपन कार में सवार हैं और गले में पटका डाले हाथ हिलाते प्रचार कोट भी बड़ा अजीब सा पहना व्हाइट वाला। इलेक्शन कैंपेन से प्रभावित दिख रहे हैं। अच्छा, हर जगह आप देखिए वो ट्विटर वाले भैया एलन मस्क को योगी की तरह दिखा के अलग अलग कलर आपको अमेरिकी चुनाव का दिखा रहा हूँ। बड़ा मजेदार था जो एआई जेनरेटेड तो कमाल के थे। इलोन मस्क को बना दिया योगी जी, कोई कंपैरिजन नहीं है। और ट्रंप को बना दिया मोदी जी, वो भी कोई कंपैरिजन नहीं है। पर एनीवे देखते हैं कौन को जीतता है। तो देखिए टक्कर बहुत जबरदस्त टक्कर है, देखते हैं क्या होगा। और जो कमला हैरिस के लोग हैं उनको लगता है कमला हैरिस जीतेगी, जो ट्रंप के लोग हैं उनको लगता है ट्रंप जीतेंगे। बिल्कुल ही नेक एंड नेक है रेस। मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, सारे फोरकास्ट वालों ने बोल दिया है दिस टाइम वी कांट टेल। मैं बताती हूं, किसी को कुछ आईडिया नहीं, ट्रंप जीतेगा। जो ट्रंप के सपोर्टर होता है ट्रंप जीतता है, जो कमला हैरिस के सपोर्टर होता है कमला हैरिस जीतेगी। मगर इन्होंने प्रोसेस अच्छा किया है कि जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो आप वो साइंस या चिन्ह पहन के नहीं जा सकते कि आप रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी को। अच्छा, अगर को मान लीजिए मिस्टर ट्रंप की कैप्स पहन के जाएगा, इसे मैगा लिखा होगा, उसको बोलेंगे नहीं यू कांट गो कि टेक इट ऑफ। हाँ, टेक इट ऑफ। तुम वोटिंग के लिए नहीं जाते। तो जो भी बंदा जा रहा है साधारण कपड़ों से जाइए, वोट करिए आइए। ये सब नहीं है कोई अपना बड़ा शो ऑफ के लिए इस पार्टी का डींग रहा है, वो सब अलाउड नहीं होता है यहाँ पे। चुपचाप आइए साधारण कपड़ों में, वोट करिए और जाइए। चलो देखते हैं वोटिंग बूथ के आगे क्या करते, दैट इज योर प्रॉब्लम। उसके बाहर जो बाहर करते हो जाओ, मगर जो वोटिंग बूथ के अंदर आते हो शांति से वोट करो और जाओ, चुपचाप जाओ। चुपचाप मतलब आप कपड़े उस टाइप के नहीं पहन सकते जिसमें लिखा हो एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते। अच्छा चलो, ये मुझे नहीं पता था, यानी मैंने तो कभी पहन के भी नहीं गई क्योंकि जिन लोगों ने अर्ली वोटिंग की उन्होंने बोला कि मैं ये पहन के आया था ये उतरवा दिया, वो पहन के आया था वो उतरवा दिया, तो वो तो हो गया। चलो अच्छा है, मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई किसी से इन्फ्लुएंस ना हो जाए या कुछ, बिल्कुल मतलब फेयर टाइप की होए, तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज उस टाइप से बनाए हैं। अच्छा है, अब देखना ये है कि कौन जीतेगा। कब तक आएगा रिजल्ट, मतलब अगर आज वोटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर रिजल्ट कितनी देर में आ जाएगा? दो तीन दिन में आ जाएगा फिर। चलो देखेंगे, एक दिन में आया। चलो गेस करना कौन जीतेगा। चलो लोगों ने तो तोते मेंढक वो हिप्पो सभी यूज कर लिया। और देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोनों पार्टीज में प्रॉब्लम्स हैं और दोनों पार्टीज में अच्छी भी चीजें भी है। हर इंसान को चूज करना है कि उसको कौन सी चीज ज्यादा क्रिटिकल लगती है लाइफ में। अगर आपको ये जो भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए जिसको अबॉर्शन की ज्यादा क्रिटिकल है तो वो हैरिस को ही देगा। तो रहेगा अपना सोचना है कि तुम्हें क्या क्रिटिकल लगती है उसके हिसाब से तुम उस चीज को। अगर तुम्हें इमिग्रेशन रोकनी है इलीगल तो तुम इसे ट्रंप को दोगे, तो वही बात है। तो ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स हैं उसमें, एक एक में बेटर है दूसरे में बेटर है। बात तो ठीक है। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।